महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उसी श्रृंखला में सावित्रीबाई फुले जी को, माता फातिमा जी को और हमारे बहुत ही सम्मानित महान योद्धा कर्पूरी ठाकुर साहब के चरणों में वंदना करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस सभा में हमारे बहुत ही जुझारू और समाज के सेनापति शरद यादव साहब और आज के इस दिन जिनका जन्मदिन है, हमारे बहुत ही जुझारू और सम्मानित जोगिंद्रनाथ मंडल जी का भी जन्मदिन है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। श्रद्धेय साथियों, मंच पर आसीन और बहुत ही जुझारू हमारे डिप्टी सीएम रहे श्रद्धे माननीय छगन भुजबल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते राजा साहब नहीं है शायद हमारे बीच में, मोहम्मद इजराइल मंसूरी जी हमारे बीच में, भाई अली अनवर जी, सीमा कुशवाहा जी, राजकुमार पटेल जी और राजकुमार सैनी जी हमारे बीच में, राजकुमार भाटी जी जिनको आप अक्सर टीवी पे भी देख रहे होंगे, एक बहुत ही जुझारू साथी हैं हमारे बीच में, भाई धर्मवीर बघेल जी, फूल सिंह बघेल जी, सुनील सरदार जी, उर्मिलेश जी और सभी श्रद्धेय साथी, विशेषकर हमारे प्रजापति ने जो उद्घोष किया, हम भी उसी धारा के और उसी तह के जो है बहुत ही मान सम्मान करते हैं बघेल उनका, प्रजापति जी का, कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बेहतरीन काम किए समाज के लिए। श्रद्धेय साथियों, आज ये SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो बहुत ही बेहतर तरीके से दिल्ली की OBC महासभा ने यह आयोजन किया, वो इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज का जो वातावरण है वो आपसे छिपा नहीं है। श्रद्धेय साथियों, काशीराम साहब ने कहा था, जैसे इन्होंने कहा अभी, वो सभी बहुजन को लेकर चले थे और उन्होंने ये कहा कि आप मांगने वाले नहीं देने वाले बनिए। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या, देश की 85% जनसंख्या भीख को मांगती रही, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि हम दोबारा उसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां से हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष करके हमें इसी स्थिति में पहुंचाया। साथियों, आज पूरा अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी को भी जोड़ दें तो वहां तो शून्य ही बच जाता है। इस शून्य को हम मजबूत कर रहे हैं और विशेषकर मैं ये कहने में आज कुताही नहीं करूंगा कि जो ब्रेन है विषमतावादी ताकतों का, वो जो ब्रेन है मनुवाद का, वो कभी OBC को
एससी के खिलाफ यूज करता है और कभी माइनॉरिटी के खिलाफ यूज करता है, अपने आप नहीं करता। मैं समझता हूं इस बार साफ सहमत होंगे, जितनी एट्रोसिटीज भारतवर्ष में हुई उसका एनालिसिस मेरे पास है, उसमें से 90% एट्रोसिटीज वो लोग एससी पर, माइनॉरिटी पर या मैक्सिमम एससी एसटी पर ओबीसी से कराते हैं। आपको समझने की जरूरत है, आप उनका हथियार बनकर काम करना जिस दिन बंद कर देंगे तो वो शून्य हो जाएंगे साथियों, और आपका इस देश में सिस्टम बनेगा। हमारे जो सावित्रीबाई फुले जी, महात्मा फुले जी, इन लोगों ने 1857 में जितना संघर्ष किया असमानता के विरुद्ध, समाज सुधारक, उन्होंने एक किताब गुलामगिरी लिखी, यदि मौका लगे तो उसे पढ़ना, और उस साहब को मालूम होगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले इस देश में कैसा समाज चाहते थे। ठीक उसी तरह से आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति की 12 साल में शादी हुई, 9 साल में सावित्रीबाई फुले की शादी उनके साथ हुई, उन लोगों ने वो काम किए, वो कार्य किए, शिक्षा का कार्य, चूंकि वो समझ चुके थे कि शिक्षा की बदौलत ये जो मुट्ठी भर समाज है हम पर राज कर रहा, और कहीं ना कहीं ये केवल एंड केवल शिक्षा की बदौलत है, और उन्होंने शिक्षा का भार उठाया। प्रथम महिला दलित समाज की जो अध्यक्षता रही, और एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ही कार्य किए। उन्होंने कहा किसी भी समाज की और किसी भी व्यक्ति की कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती जब तक वो शिक्षित नहीं है, किसी देश की प्रगति नहीं हो सकती जब तक उस देश में बेहतरीन शिक्षित विद लोग नहीं है, टेक्नोक्रेट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, और दूसरे पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो इसलिए शिक्षा पर जोर दिया। हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने वो पहले 67 में उप मुख्यमंत्री रहे, फिर 77 में दो बार चीफ मिनिस्टर रहे कर्पूरी ठाकुर साहब। क्या उनको कहीं इतिहास में देखा? क्या महात्मा फुले को किताब में पढ़ा गया? क्या सावित्रीबाई फुले को हमें किताब में पढ़ा गया? क्या बाबा साहब का कोई चैप्टर इस इतिहास में कहीं आपने देखा स्कूल में? साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने हमारे महापुरुष बहुजन के महापुरुष हुए, उन लोगों की अस्मिता को खराब करने के लिए, उनका व्यक्तित्व को और नीचा छोटा करने के लिए हर जगह उन्होंने प्रयास किए। साथियों, आज समय है, बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं शताब्दी हमारी होगी, बहुजन की होगी, और यदि आप यहां एकोध लेकर जाते हैं कि हम आज के बाद एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, मैं नहीं समझता कोई शक्ति ऐसी है कि तुम्हें गिरा देगी। यदि कोई आपका राजनीति में जाए, सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, आपको एक जगह एकजुट होना है। हम अपना माइंड अप्लाई करें, हम अपने समाज का देखें। आज आप देख रहे हैं कि 85% होने के बावजूद भी आज हम कहीं नहीं 52% को 27% में निपटा दिया, और 35-40% को 22.5% में उनको जो है अलग कर दिया, और यदि इसका टोटल करें तो 49% बैठता है, और हम टोटल जनसंख्या के 88% है। तो हमें बताएं कि जो 51.5% है वो मजा ले रहा है, 15% मजा ले रहा है 51% का, और 90% लोग केवल 49%, और वो लोग कहते हैं हमें रिजर्वेशन मिला। अरे रिजर्वेशन तो तुम खा रहे हो, हमें तो अपना हक भी नहीं मिला, जिस हक के हम लायक है, जिसका हमारा अधिकार है, वो हमें नहीं मिला। श्रद्धेय साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा
इतनी यात्राएं झेलने के बाद सारा कुछ आपको मालूम है कहने की बात नहीं है, लेकिन उन बाबा साहब का विदेशों में लोग इज्जत करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए उस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का स्टेचू वहां के यूएस के प्रधानमंत्री ने कोलंबिया के गेट यूनिवर्सिटी पर लगाया। चूंकि 300 साल की हिस्ट्री में बाबा साहब से बेहतर कोई विद्यार्थी वहां नहीं आया। और यहां क्या होता है, हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। साथियों, आप भूल रहे, भ्रमित हैं, आप इस भ्रम को मिटा दीजिए। बाबा साहब इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने, और उधर देखे बहुजन शक्ति की कमाल, उधर हमारे जोगिंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में पहले कानून मंत्री बने। साथियों, तो ये तुम्हारा विद्वता की बात थी। हम ये कहते हैं कि इस देश में अब जरूरत है इकट्ठा होने की, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की, और यदि अभी भी नहीं जागे तो बहुत समय खराब है। आप सब शिक्षित हैं, सब नौजवान हैं, सब समझते हैं, और सब आप शिक्षित होकर के कम से कम आप इकट्ठे होने काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि काम बहुत वृत्तगण है, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब तक संविधान को नहीं बचाओगे, जब तक संविधान को नहीं बचाओगे तब तक आपका कोई कुछ होने वाला नहीं है। ये दोबारे मनुवाद आ जाएगा, जिसके तहत आप लोग बहुत छोटे समझे जाते थे।